नमस्कार, मैं रणधीर कुमार। एसटीवी न्यूज पर आप देख रहे हैं आज की प्रमुख खबरें। सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। ट्रिपल मर्डर से दहला चंपारण, गर्भवती मां सहित दो बच्चों की हुई हत्या। कई मामलों का वांछित अपराधी चढ़ा पुलिस के हत्थे, देसी कट्टा और कारतूस सहित चोरी का मोटरसाइकिल हुआ बरामद। और धूमधाम से मनाया गया महाशिवरात्रि, विभिन्न शिव मंदिरों में देखी गई भक्तों की भारी भीड़। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत चकिया थाने के हरपुर किसुनी गांव में गर्भवती महिला व उसके दो बच्चों की हत्या से इलाके में सनसनी का माहौल है। उक्त घटना गुरुवार रात लगभग 9 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक तीनों शव घर के कमरे के फर्श पर पड़ा था। पूर्वी चंपारण एसपी नवीन चंद्र झा ने घटना स्थल पर जाकर जायजा लिया। हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जानकारी के मुताबिक मृतकों में 35 वर्षीय रुखसार खातून, उसका पुत्र 6 वर्षीय नसीम व 7 वर्षीय पुत्री सबाना शामिल है। घटना की जानकारी मिलते ही वहां सगे संबंधी व गाँव के लोग पहुँचने लगे। रुखसार खातून का भाई अनवर आलम का कहना है कि उसके बहनोई सऊदी अरब में रहते हैं। इस दौरान मृतिका के भाई ने बताया, जब हम लोग फोन कर रहे थे, हम फोन किया, हमारे मम्मी लोग फोन किया, चाहे हमारे जीजा लोग फोन किया, जब फोन करने के बाद फोन नहीं उठाया गया, तब जाके हम लोग घर से आए। घर से आने के बाद में देखा तो ये मामला हुआ था, मर्डर हुआ था। इसका इतला कौन दिया, बहनोई तुम्हारा की? हमारा बहनोई ने बोला कि जाओ वहाँ पे, फोन नहीं रिसीव हो रहा था। मामला क्या है, डिलीवरी वाला मामला है, तो फिर डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तुम जाओ, इसलिए हम लोग वहाँ से। कहाँ रहते हैं बहनोई, बताओ? बहनोई सऊदी रहते हैं। कि प्रशासन डॉग ले आवे और इसकी गहन जांच करे, और जांच करके जो मुजरिम है उसको एकदम अन्यथा गिरफ्तार करे, नहीं तो इसके लिए हम लोग हर संभव उतरने के लिए तैयार है। घटना स्थल पर पहुंचे पूर्वी चंपारण पुलिस कप्तान नवीन चंद्र झा ने कहा, अभी घटना स्थल को देखने से लग रहा है कि जो दो बच्चे हैं और उनकी माँ, गलत दबा के भी हत्या किया गया प्रतीत होता है। और माँ के कनपट्टी के पास दाहिने एक किसी नोकीले औजार से या हथियार से मारा गया है, लेकिन जीभ बाहर है, तो गला दबा के हत्या करने की संभावना ज़्यादा है। बाकी डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम आएगी, डॉग स्क्वाड के संबंध में बात हो गया है, वो सुबह तक पहुंच जाएंगे, और एफएसएल की टीम भी कल सुबह आएगी, और पोस्टमार्टम के बाद ज़्यादा स्पष्ट हो सकेगा कि हत्या का कारण क्या है। बाकी एफआईआर दर्ज करके आगे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, और जो भी इसमें सम्मिलित है अपराधी, उसको पकड़ा जाएगा। पूर्वी चंपारण पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जानकारी के मुताबिक कई कांडों में वांछित तथा हत्या और आर्म्स एक्ट में पूर्व में जेल जा चुके अपराधी जितेंद्र सहनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और गिरफ्तार अपराधी के पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और चोरी का एक सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। पूर्वी चंपारण पुलिस कप्तान नवीन चंद्र झा ने आज प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। चाप चौक से जितेंद्र सैनी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि एक कुख्यात अपराधकर्मी है। इसके पास से एक देसी कट्टा और दो जिंदा गोली बरामद किया गया है। इसकी गिरफ्तारी से 2019 में 6 लूट के कांड हुए थे, उनका पता चेक हो रहा है। साथ ही इसके विरुद्ध 10 गंभीर प्रकार के कांड हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट, लूट, डकैती, हत्या, जो मुफस्सिल, कोटवा, पिपरा और शिकारगंज थाना क्षेत्र से संबंधित हैं। 2013 में इसके विरुद्ध एक हत्या का कांड भी दर्ज हुआ था। साथ ही 2019 में मुफस्सिल, कोटवा, पिपरा और शिकारगंज थाना क्षेत्रों में इसने 6 लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। सर, ये हाल फिलहाल में लूट की घटना को कही? हाँ, इसने सितंबर 2019 में लूट की 4 घटनाओं को अंजाम। सर, इसका अपना अलग संगठन चलता था, अपना हीरो है, जिसमें और भी लोग हैं, पहले कुछ लोग जेल जा चुके हैं और बाकी उनको भी हम लोग भेज देंगे। महाशिवरात्रि को लेकर मझौलिया प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर सुबह से ही मंदिरों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु उमड़ने लगे। माना जाता है कि शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, बेर और भांग चढ़ाने से भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है,
और उसे महादेव की विशेष कृपा मिलती है। मझौलिया के बाबा नागेश्वर महादेव मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना रहा, जहां मझौलिया के व्यवसायियों द्वारा महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। उधर रामनगर बनकट में भी इलेक्ट्रॉनिक भगवान शिव की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रहा। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मझौलिया के राजघाट शिव मंदिर में मेला का आयोजन किया गया, जिसका लोगों ने जमकर आनंद उठाया। उधर मझौलिया के अहवर कुड़िया में महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर लकड़ी के बने सामानों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध मेला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मझौलिया प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे। देखिए मझौलिया से एसटीवी न्यूज़ संवाददाता राजू शर्मा की ये रिपोर्ट। एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत है और इस वक्त हम हैं मझौलिया के बाबा नागेश्वर महादेव मंदिर में, जहाँ काफी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है और पौराणिक मान्यता है कि जो भी यहाँ भक्त शिवलिंग पे जलाभिषेक करते हैं उनकी मलवांतिक फल की प्राप्ति होती है। इसका उद्देश्य भगवान से कामना करना है कि मेरी इच्छा की पूर्ति करें और मेरे घर परिवार को सुरक्षित रखें और सारी मुसीबत से उनको बचाए रखें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंशु श्रीवास्तव हुआ, मैं गढ़ूपुर की हूँ और मेरे हस्बैंड का नाम दीप रंजन श्रीवास्तव हुआ। हम लोग यहाँ रास्ते में भगवान जी दिख गया है, इसके चलते थोड़ा हम लोग सिर झुकाने चले आए हैं। वहीं बिहार के काशी अरेराज में बाबा सोमेश्वरनाथ मंदिर में आज लाखों श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया है। गौरतलब है कि आज महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा रहा। भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंचे। एसडीओ धीरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि वे एसडीपीओ ज्योति प्रकाश सहित पूरे पुलिस बल के साथ रात्रि के 12 बजे से आकर मंदिरों की विधि व्यवस्था को बनाते हुए मंदिर के पट को श्रद्धालु भक्तों के लिए 2 बजे से खोल दिया गया और उसी समय से हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा सोमेश्वरनाथ पर जलाभिषेक करना शुरू कर दिए। महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालु छपरा, सिवान, गोपालगंज, पड़ोसी देश नेपाल आदि दूर दूर जगहों से आए हैं। मंदिर की विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अरेराज एसडीपीओ ज्योति प्रकाश, एसडीओ धीरेंद्र कुमार मिश्रा, अरेराज ओपी प्रभारी सुनील कुमार सिंह, मलाही थाना प्रभारी, पहाड़पुर थाना प्रभारी के साथ बिहार मिलिट्री फोर्स के जवान शामिल थे। इस दौरान पुलिस बल सहित मेला की विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए 100 की संख्या में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे। ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की शादी हुई थी, जिस कारण महाशिवरात्रि का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा माना जाता है। धर्म के जानकारों के अनुसार फागुन महीने के कृष्ण पक्ष के एकादशी यानी फरवरी मार्च के महीने में पड़ने वाला यह त्यौहार इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ऐसी मान्यता है कि आज के दिन भगवान शिव का अंश प्रत्येक शिवलिंग में पूरे एक दिन और एक रात मौजूद रहता है। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि के निर्माण के समय महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि में शिव अपने रुद्र रूप में प्रकट हुए थे। धर्मशास्त्रियों के मुताबिक आज के दिन ग्रहों की दशा कुछ ऐसी होती है कि मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़ती है। वे लोग जो अध्यात्म मार्ग पर हैं उनके लिए महाशिवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिव दुनिया के पहले गुरु माने जाते हैं, जिससे ज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। देखिए बाबा सोमेश्वरनाथ शिव मंदिर अरेराज से एसटीवी न्यूज संवाददाता अनुराग कुमार की ये रिपोर्ट। आज हम बिहार के काशी बाबा सोमेश्वरनाथ मंदिर अरेराज में आ पहुंचे हैं, जहां आज महाशिवरात्रि महापर्व है। आज ही के दिन बाबा भोले शंकर नाथ की विवाह माता पार्वती से संपन्न हुई। इसी संदर्भ में लोग इसी मन्नत को लेकर के बाबा सोमेश्वरनाथ के मंदिर में यहां पहुंचते हैं, जलाभिषेक करते हैं, जो मन्नत होता है बाबा से मांगते हैं और बाबा उनकी मन्नतों को पूरा करते हैं। तो 10-12 साल से जल चढ़ा रहे हैं, बाबा का कृपा है, सब महिमा सब पार हो जाता है बाबा की कृपा से। जो भी बाबा से मन्नत मांगते हैं वो पूरा होता है? हाँ, सब पूरा होता है, बाबा के दरबार में आने से सारा पूरा होता है। इस बार महाशिवरात्रि के अवसर पर जैसा कि आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है और इस भीड़ को सुरक्षित यहाँ से दर्शन करवाने और वापस निकालने के लिए त्रिस्तरीय हम लोग की सुरक्षा व्यवस्था है। एसडीपीओ अरेराज खुद सुरक्षा की कमान संभाले हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था तथा ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर हमारी पूरी टीम लगी हुई है। अभी तक सुबह से लगभग 50,000 से 60,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और ये सभी लोग बिल्कुल सुरक्षित आ रहे हैं, आसानी से दर्शन कर रहे हैं और वापस अपने घरों को जा रहे हैं। मंदिर का सर ये पूजा कब से शुरू कर दिया गया था? सुबह में हम लोग यहाँ 12:30 बजे आ गए थे, मैं और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दोनों। सारी औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद 2 बजे मंदिर का पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया था
और तब से लगातार श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है। सभी श्रद्धालु भक्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामना है, मंगल कामना है, शुभाशीष है। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भक्तों के दर्शनार्थ रात्रि 1:30 बजे पट को खोल दिया गया है और गंडकी, त्रिवेणी, पहलेजा घाट, अन्यान जल स्रोते हुए नदियों से जल भरकर भगवान सोमेश्वरनाथ महादेव के यहाँ भक्तगण उपस्थित हुए हैं भगवान को जलाभिषेक करने के लिए। और ये महाशिवरात्रि का महापर्व हम लोग सनातन संस्कृति से जुड़े सभी भक्त पूरे विश्व भर में हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव, जिसका अर्थ ही कल्याण करना होता है, वह इस धरती के, पृथ्वी के कल्याण के लिए इसी महाशिवरात्रि के दिन उनका निराकार स्वरूप से साकार स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ था। पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में महाशिवरात्रि के अवसर पर आज प्रजापति ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के द्वारा परमात्मा शिव को प्रसन्न करने तथा मनुष्य आत्माओं के कल्याण हेतु नगर में सत्य ज्ञान का पाठ पढ़ाते हुए प्रजापति ब्रह्मा कुमारी के सभी सदस्यों के द्वारा नगर में शोभा यात्रा निकाली गई, जहाँ इस शोभा यात्रा में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद सभापति गरिमा देवी सिकारिया के द्वारा झंडा तोलन करते हुए इस शोभा यात्रा को विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए गुजारा गया। साथ ही साथ ज्ञानवर्धक बैनर के माध्यम से नगर में सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार भी किया गया। इस यात्रा में नगर के काफी संख्या में लोग शामिल रहे। शिवहर जिला अंतर्गत पिपराही प्रखंड के डेकुली धाम पर महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्तों में खूब भीड़ देखी गई। इस दौरान SDM आरिफ अहसन, पिपराही थाना अध्यक्ष अवधेश कुमार सहित पदाधिकारियों ने निरीक्षण भी किया। महाशिवरात्रि के अवसर पर जिले के ऐतिहासिक बाबा भुवनेश्वर धाम पर भक्तों की खूब भीड़ देखी गई। भक्त सुबह से ही यहां पहुंचने लगे और आज महाशिवरात्रि के अवसर पर धूमधाम से पूजा किया। बिहार पुलिस सप्ताह 22 फरवरी से 27 फरवरी तक मनाया जाएगा, जिसको लेकर शिवहर के सभी थानों में पुलिस द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वहीं जिला पुलिस के द्वारा चमनपुर गांव को गोद लिया गया है। शिवहर SP संतोष कुमार ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। बिहार पुलिस सप्ताह 2020 दिनांक 22 फरवरी से 27 फरवरी तक आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में शिवहर पुलिस के द्वारा भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें कि एक गांव को गोद लिया जाना, खेलो बिहार पुलिस के साथ जल जीवन हरियाली अंतर्गत वृक्षारोपण एवं जागरूकता कार्यक्रम, लहू हमारा जनसेवा कार्यक्रम और जनसंवाद एवं पारितोषिक वितरण, ये विभिन्न तिथियों को आयोजित की जा रही है। और जो गांव को गोद लिया जाना है, वहाँ 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक प्रत्येक दिन कोई ना कोई जागरूकता कार्यक्रम जो विभिन्न विषयों पर किया जाएगा, चाहे वो साइबर क्राइम हो, महिला सुरक्षा से संबंधित हो, नशाबंदी पर नुक्कड़ नाटक है और इसी प्रकार जो है जल जीवन हरियाली पर भी कार्यक्रम है, यातायात जागरूकता पर है, यातायात के नियमों पर। इसी प्रकार जो हमारा दूसरा कार्यक्रम है खेलो बिहार पुलिस के साथ, इसमें सभी थाना जो शिवहर जिला के थाने हैं वो अपने अपने थाना क्षेत्र में कहीं पर क्रिकेट मैच का आयोजन, कहीं पर फुटबॉल वॉलीबॉल मैच इत्यादि का आयोजन किया जा रहा है। जिला स्तरीय कार्यक्रम भी शिवहर जिला में समाहरणालय मैदान में किया जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन, जिसका नाम है लहू हमारा जनसेवा में कार्यक्रम, शिवहर पुलिस केंद्र में किया जाएगा। ये जिला स्तरीय कार्यक्रम है जिसमें पुलिस अधीक्षक से लेकर पुलिस सिपाही तक सभी लोग ब्लड डोनेट करेंगे, रक्तदान करेंगे और साथ ही साथ उसके बाद हम लोग पारितोषिक वितरण भी करेंगे। और जो लोग इसमें विशेष रूप से हम ये भी कहना चाहेंगे कि शिवहर जिला में 15 अगस्त 1997 को सेवा में थे, उन्हें विशेष मेडल भी प्रदान गृह मंत्रालय की तरफ से किया गया है, उसको भी दिया जाएगा। और साथ ही साथ विभिन्न कार्यक्रमों में और पूरे वर्ष में जिन लोगों ने, जिन आम नागरिकों ने विधि व्यवस्था संधारण में पुलिस के साथ सहयोग किया, सभी हमारे मीडिया के साथीगण एवं अन्य सभी बुद्धिजीवी लोग, छात्र छात्राएं जिन्होंने उत्कृष्टता के साथ अपने विभिन्न कार्यक्रमों में प्रदर्शन किया है, उन सभी को प्रशस्ति पत्र और सम्मानित किया जाएगा, मेडल दिया जाएगा और जो भी पुलिस की तरफ से बन पड़ेगा उसको पारितोषिक वितरण समारोह में भी दिया जाएगा। इस प्रकार एक विस्तृत कार्यक्रम है जिसमें कि हम अपील करते हैं कि सभी लोग शिवहर जिलावासी इसमें भाग लें और पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर एक सुंदर और शांतिपूर्ण शिवहर बनाने में हम सबों का सहयोग, हम सभी का चाहते हैं और सभी हमको सहयोग करेंगे, इसे पूर्ण आशा है।
आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताजा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एचटीवी न्यूज। सच की आवाज़। नमस्कार।